हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो मैंने इसमें एडजेक्टिव शामिल किए हैं और कैसे एडजेक्टिव को पढ़ना है, कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है आपके सामने। पहले वर्ड हम एडजेक्टिव लेते हैं। एडजेक्टिव, विशेषण, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव लेते हैं। स्पीकिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम यहाँ पढ़ने के लिए इनको लिखे हुए हैं और साथ ही आप इसके मीनिंग को भी जान सकते हैं। देखिए, पहला एडजेक्टिव है डिसेंड। क्या है डिसेंड? ये डी ई डी और सी ई एन डी, सेंट, डिसेंड। हमने सी को साथ क्यों पढ़ा, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। सी के बाद आई, सी के बाद आई, सी के बाद ई, अगर तीन वॉवल्स आते हैं तो हमेशा सी को सा पढ़ा जाता है, बाकी सब जगह सी को का पढ़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और डिसेंट यानी बहुत अच्छा या सही। नेक्स्ट जो है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट, डी आई डी एल आई डी और जी ई एन डी, जेंट। हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब लगन वाला, बहुत तत्पर, अपने काम को लगन से करता, उसे हम बोलते हैं डिलीजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इसे आप ध्यान रखिए। थर्ड वाला देखिए, लिखा है इफिशियंट, इफिशियंट, ई डबल एफ आई, इफी वन पार्ट, सी आई सी ई एन डी, सेंट, इफिशियंट, इफिशियंट, सी को साफ पढ़ेंगे, इफिशियंट, इफिशियंट मतलब दक्ष, निपुण, अपने काम में कोई एक्सपर्ट होता ना उसे बोलते हैं इफिशियंट। नेक्स्ट जो है वो है नेसेसरी। ने से सरी, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट ने, फिर से सरी, ने से सरी। जब भी डबल वर्ड आता है हिंदी में उसे हम एक बार पढ़ते हैं, वन टाइम पढ़ा जाता है, टू टाइम्स नहीं पढ़ा जाता है, ने से सरी। नेक्स्ट है नोटोरियस, नो तो री अस। नोटोरियस होता है क्या, जो बदनाम व्यक्ति होता है, ख्याल होता है, बड़ा बदनाम, उसे बोलते हैं नोटोरियस। नो तो यस, नो तो री अस, देख रहे हैं। लास्ट देखिए, इतना न्यूट्रल, आई डिवाइडेड टू पार्ट्स। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष, बिल्कुल किसी सब बातों से दूर, निष्पक्ष, किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, उसे तटस्थ भी बोलते हैं, वो हुआ न्यूट्रल। तो गाइस, आपके सामने ये हमने एडजेक्टिव लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इनको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं और इनको यूज कर स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मेरा वर्ड को पढ़ने के लिए था, इसलिए मैंने इसको पार्ट में विभाजित करके आपको बताया कि कैसे वीडियो को, कैसे वर्डों को पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनको नोट कर लीजिए और इनको अपने डेली लाइफ स्पीकिंग में भी यूज कीजिए और सही तरीके से उसको पढ़िए। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।